बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 33 ऑफ पीएमसी नेशनल एमडीकैट 2021। बायोलॉजी प्रिपरेशन के सिलसिले के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आपको याद होगा कि हमने पिछले दो लेक्चर्स में लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स के हवाले से कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। लास्ट लेक्चर में भी हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, तो आज इंशाल्लाह ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। आज इस सिलसिले का ये तीसरा लेक्चर, इससे पहले जो लेक्चर नंबर 32 और फिर 31 वो इसी सिलसिले के लेक्चर आ चुके हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो आज इंशाल्लाह मज़ीद हम कुछ टॉपिक्स को जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है उनको अपने डिस्कशन में शामिल करते हैं। आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि पीएमसी का जो नेशनल एमडीकैट का सिलेबस है उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हवाले से जो टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में और उससे पिछले लेक्चर में भी आपसे इंट्रोड्यूस करवाए थे। आज के लेक्चर में हम जिन चीज़ों को कवर करेंगे, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे आज के लेक्चर के, वो उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड हैं। और कुछ चीज़ें आपको और बताते हैं जो आपने कवर करनी है। मिसाल के तौर पर कार्डियक साइकिल, ये तो पीएमसी के सिलेबस में टॉपिक गिवन है और ये तो डेफिनेटली करना ही है, आपने इसके डिफरेंट फेजेस को कवर करना है। लेकिन इसके साथ साथ हम कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, जिसमें कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट आता है, ये टॉपिक भी हमने ज़रूर कवर करना है। क्योंकि जब बात हो रही हो कार्डियक साइकिल की और फिर कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट का इसमें जिक्र ना हो तो ये टॉपिक अधूरा रहता है। तो इस वजह से बेशक पीएमसी ने अपने सिलेबस में जिक्र नहीं किया, तो आपने ये ज़रूर कवर करना है। इसके साथ हमने टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स को कवर करना है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और फिर आपको ब्लड प्रेशर और रेट ऑफ ब्लड फ्लो के बारे में भी बताएंगे। अब देखो, ये ब्लड प्रेशर का टॉपिक भी पीएमसी ने अपने सिलेबस कॉन्टेंट के अंदर नहीं दिया, लेकिन जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं और ब्लड प्रेशर का जिक्र ना आए तो ये ज्यादती होगी। इस वजह से ब्लड प्रेशर को और रेट ऑफ ब्लड फ्लो को भी जरूर कवर किया जाएगा। और इसी तरह से फिर आखिर में हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आइए लेक्चर का बकायदा आगाज करते हैं जी। तो हमने पिछले लेक्चर में हार्ट का डिटेल स्ट्रक्चर कवर कर लिया था और आपको अब ये हार्ट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके हवाले से काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी पता चल गए थे। उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए कार्डियक साइकिल का आज जिक्र कर रहे हैं हम। देखिए, कार्डियक साइकिल को समझने से पहले हमें हार्ट बीट का अंदाज़ा होना चाहिए कि हार्ट बीट बेसिकली किसे कहा जाता है। तो हार्ट बीट को डिफाइन करते हुए आमतौर पर यूं वर्डिंग यूज़ की जाती है कि ऑल द इवेंट्स विच आर कलेक्टिवली इन्वॉल्व इन वन टाइम कलेक्शन एंड वन टाइम पंपिंग ऑफ द हार्ट, वन टाइम पंपिंग ऑफ द ब्लड बाय द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। देखो, इसका मतलब क्या है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के दौरान हार्ट ब्लड को कलेक्ट करता है और उसके बाद फिर उसको पंप करता है। तो आप देखिए कि ये सपोज कीजिए हार्ट है, तो हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से इसने ऑब्टेन किया और उसके बाद जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में कलेक्ट हो गया तो फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और राइट वेंट्रिकल से अब इसको पंप कर दिया गया टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। उसके बाद फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट वापस कलेक्ट करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट होता है और उसके बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये बॉडी को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था कि ये एक जो सर्किट बन रहा है सर्कुलेशन का बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसी तरह से दूसरा जो सर्किट यहां पे बन रहा है बिटवीन हार्ट एंड द बॉडी सिस्टम, दिस इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हार्ट एक दफा अपनी एक्टिविटी के दौरान एक दफा जब ब्लड को कलेक्ट करता है, यानी पूरी बॉडी से ये ब्लड को कलेक्ट करता है, उसमें ना सिर्फ ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड की कलेक्शन आ जाएगी जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा है, बल्कि इसके साथ साथ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कलेक्शन भी आ जाएगी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का हिस्सा है। तो दोनों की कलेक्शन एक ही वक्त में हो रही होती है, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि वन टाइम कलेक्शन ऑफ द ब्लड बाय द हार्ट। और फिर जब ये दोनों तरफ से ब्लड कलेक्ट हो जाता है तो फिर एक ही साथ डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हुआ था वो लंग्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कलेक्ट हुआ था वो बॉडी सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो इस तरह से ये दोनों साइड की जो पंपिंग है वो भी साइमल्टेनियसली परफॉर्म होगी। इस तरह से एक दफा हार्ट
जब ब्लड को कलेक्ट करेगा और फिर एक दफा पंप करेगा, तो इस दौरान में जितने भी इवेंट्स परफॉर्म होंगे वो कलेक्टिवली एक हार्ट बीट कहलाते हैं। तो एक हार्ट बीट को इस वजह से इस वर्डिंग के जरिए डिफाइन किया जा रहा है कि ऑल द इवेंट्स विच आर कलेक्टिवली इन्वॉल्व इन वन टाइम कलेक्शन एंड वन टाइम पंपिंग ऑफ द ब्लड बाय द हार्ट, या फिर इसको मजीद सिंपल अल्फाज में यूं कह लें कि वन कलेक्शन एंड वन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट कॉन्स्टिट्यूट वन हार्ट बीट। ठीक है, तो ये कलेक्शन की जब हम बात करते हैं ना, तो कलेक्शन में कौन सी कलेक्शन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कलेक्शन या ऑक्सीजनेटेड ही, तो आपने याद रखना है कि बोथ, यानी एक हार्ट बीट के दौरान डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कलेक्ट होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी। सिमिलरली यहां पर जब हम बात करें कि वन टाइम पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, तो ये जो वन पंपिंग एक्शन है ये कौन से ब्लड की पंपिंग की यहां पर बात हो रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की या डीऑक्सीजनेटेड, तो यहां पर भी आप याद रखिए कि दोनों ब्लड की हम बात करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पंप होगा टू डिफरेंट बॉडी सिस्टम जैसे आपने ये यहां पर देखा, और फिर इसी तरह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी पंप होगा टू द लंग्स जैसे आपने ये यहां पर नोट किया। तो इस वजह से आप हार्ट बीट को वन कलेक्शन एंड वन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट भी कह सकते हैं, या फिर इसको मजीद डिफरेंट वर्डिंग में आप यूं कह सकते हैं कि वन हार्ट बीट इज इक्वल टू वन पल्मोनरी सर्किट एज वेल एज वन सिस्टमिक सर्किट, यानी ये जो एक आपको पल्मोनरी सर्किट नजर आ रहा है और ये एक सिस्टमिक सर्किट नजर आ रहा है, ये कलेक्टिवली एक हार्ट बीट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रहे कि एक हार्ट बीट में एक कंप्लीट पल्मोनरी सर्किट जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग टू द लंग्स और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वापस कलेक्शन, ये पल्मोनरी सर्किट हो गया, और फिर वन सिस्टमिक सर्किट इन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप टू डिफरेंट बॉडी सिस्टम और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कलेक्शन, ये एक सिस्टमिक सर्किट बन गया। तो एक पल्मोनरी सर्किट और एक सिस्टमिक सर्किट मिलकर एक हार्ट बीट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब हमें हार्ट बीट का अंदाजा हो गया कि हार्ट बीट बेसिकली होती क्या है। ठीक है, हार्ट बीट जब समझ में आ गई हमें, तो अब हम कार्डियक साइकिल को इजिली डिफाइन कर सकते हैं। देखो, कार्डियक साइकिल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। देखो, वहां पर भी हमने कुछ इवेंट्स का जिक्र किया था, लेकिन हमने कहा था कि वन कलेक्शन और वन पंपिंग में जो इवेंट इंक्लूड होंगे वो एक हार्ट बीट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और अब हम बात करें कि अब इस एक हार्ट बीट के दौरान जितने भी इवेंट्स इन्वॉल्व होंगे उनका एक सीक्वेंस, उसकी एक तरतीब दरअसल कार्डियक साइकिल कहलाती है। यानी इसमें इवेंट्स एक तरतीब के साथ आएंगे, पहले एक होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इस तरह से ये तमाम इवेंट एक तरतीब से आएंगे और फिर आखिर में जब आखिरी इवेंट खत्म होगा दोबारा से पहले वाला इवेंट आ जाएगा। तो इस वजह से ये साइक्लिक सीक्वेंस होगा, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया है कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। अच्छा, अब वो कौन से इवेंट हैं जो हार्ट बीट की कंप्लीशन के दौरान वकू पजीर होते हैं, कार्डियक साइकिल जिन इवेंट के सीक्वेंस पर मुश्तमिल है वो कौन से इवेंट्स हैं, तो उसमें आपने बुनियादी तौर पर इन दो इवेंट्स को याद रखना है, उनमें से एक है सिस्टोल इवेंट और दूसरा डायस्टोल इवेंट। ठीक है, सिस्टोल या सम पीपल्स आस्क सिस्टोली, ठीक है, कोई भी आप प्रोनंसिएशन यूज कर सकते हैं। तो सिस्टोल इवेंट ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है, दिस इज अ टेक्निकल टर्म विच इज यूज फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स। और फिर इसी तरह से डायस्टोल या डायस्टोली, तो ये डायस्टोल टर्म इज रेफर टू द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इसे सिस्टोल कहा जाएगा, और हार्ट मसल्स में जब रिलैक्सेशन होगी तो इसे डायस्टोल कहा जाएगा। अब चूंकि हार्ट के अंदर दो तरह के चैंबर्स हैं, एक एट्रिया और दूसरे वेंट्रिकल्स, लिहाजा जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं एट्रियल सिस्टोल, और जब एट्रिया में रिलैक्सेशन होगी तो आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं एट्रियल डायस्टोल। फिर इसी तरह से वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इसके लिए वर्डिंग यूज की जा सकती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और जब वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन हो तो आप इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल दो तरह के इवेंट्स ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ हार्ट बीट परफॉर्म होंगे। अब ये जो मैंने आपको एट्रिया और वेंट्रिकल्स के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल का पॉइंट आउट किया है, तो ये
किस तरतीब से ये सारे इवेंट आएंगे, इसी चीज को कार्डियक साइकिल कहा जाता है। तो देखो सबसे पहले हम हार्ट की फंक्शनिंग को साथ साथ रिलेट करते हुए इन इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या होने जा रहा है, मैं आपको इसकी जो फाइनल तरतीब है, फाइनल सीक्वेंस, वो आगे चलकर अभी बताता हूँ। पहले जरा जो जो मैं चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान से जरा नोट करते जाएं। आप देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले ये जो थिन वॉल्ड एट्रिया है ये ब्लड को रिसीव कर रहे हैं। ये आप जो राइट एट्रियम देख रहे हैं ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, और इसके अलावा जो हार्ट की वॉल से कार्डियक साइनस चैनल है वो भी इसी राइट एट्रियम के अंदर ओपन हो रहा होता है। तो इस तरह से ये तीन अतराफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर राइट एट्रियम के अंदर कलेक्ट हो रहा है, और एट द सेम टाइम जब ये राइट एट्रियम के अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा होगा तो लेफ्ट एट्रियम भी ब्लड रिसीव कर रहा होगा, ब्लड कलेक्ट कर रहा होगा। लेकिन लेफ्ट एट्रियम के अंदर आपको ये बताया गया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है बाय मीन्स ऑफ टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन, एक पेयर आपको ये बैक साइड से हार्ट की डॉर्सल साइड से यहां पर लेफ्ट एट्रियम में कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा पेयर यहां हार्ट की इस लेफ्ट साइड से यहां पर अटैच होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से ये दो पेयर्स पल्मोनरी वेन्स के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से यहां पर लेफ्ट एट्रियम के अंदर कलेक्ट कर देंगे, और इसी तरह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा और कार्डियक साइनस चैनल के जरिए यहां पर राइट एट्रियम में कलेक्ट हो जाएगा। जब ये दोनों एट्रिया ब्लड को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो एट्रिया, याद रखिए कि ये दोनों थिन वॉल चैम्बर्स हैं, इनकी वॉल बहुत ज्यादा थिन है, लिहाजा जैसे जैसे इनके अंदर ब्लड फिल होता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए कि एट्रिया की वॉल के मसल्स रिलैक्स करते जाएंगे। चूंकि ये थिन वॉल है तो थिन वॉल होने की वजह से जैसे जैसे इनके अंदर ब्लड फिल होगा तो ये इस तरह से रिलैक्स करते चले जाएंगे, और इस इवेंट को इसी वजह से हम नाम देंगे एट्रियल डायस्टोल। देखिए हमने यहां पर सबसे पहले एट्रियल डायस्टोल को एनलिस्ट किया है, ठीक है, एट्रियल डायस्टोल को एनलिस्ट सबसे पहले जरूर किया है, लेकिन दिस इज नॉट द फर्स्ट इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल। अभी मैं आपको समझाता हूं वो कैसे, ठीक है, आप पहले ये याद कर लीजिए कि एट्रियल डायस्टोल क्या था। दिस इज एक्चुअली द रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ एट्रिया ड्यू टू द फिलिंग ऑफ द ब्लड, जैसे जैसे ब्लड उसके अंदर फिल होता गया तो ये रिलैक्स करते गए। अच्छा एक और बात ध्यान में रखिएगा, हमने लास्ट लेक्चर में हार्ट की फंक्शनिंग को बहुत डिटेल के साथ कवर किया था कि जैसे जैसे एट्रिया के अंदर ब्लड फिल हो रहा होता है ना, एट द सेम टाइम आप याद रखिए कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स होते हैं उस वक्त खुले हुए होते हैं, और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व से ये ब्लड जो एट्रिया के अंदर दाखिल हो रहा था ये थोड़ा थोड़ा सा वेंट्रिकल्स में भी जा रहा होता है, यानी एट्रिया ब्लड रिसीव करने के साथ साथ एक्सपैंड करते जा रहे थे लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ब्लड इनका वेंट्रिकल्स में भी जा रहा था, क्योंकि ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं ये इस फेज के दौरान पार्शली ओपन होते हैं, कंप्लीटली ओपन नहीं होंगे, पार्शली ओपन होंगे, और इन पार्शली ओपन एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स के जरिए एट्रियल ब्लड वेंट्रिकल्स में भी साथ साथ दाखिल हो रहा होगा, ठीक है भाई। तो इस लेकिन यहां पर जरा केयरफुल रहिएगा कि जो एट्रिया की रिलैक्सेशन हो रही थी ना ये तो ब्लड की फिलिंग की वजह से हो रही थी, इसको तो हम यहां पर ब्लड की फिलिंग के जरिए कंसिडर करेंगे। यहां पर अगर फैक्टर पूछा जाए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एट्रियल डायस्टोल तो वो फिलिंग ऑफ ब्लड यहां पर ऑप्शन पे किया जा सकता है, लेकिन अब याद रखो कि एट द सेम टाइम ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये भी थोड़ा थोड़ा ब्लड रिसीव कर रहे हैं, और वेंट्रिकल्स आर वेरी मच थिक वॉल्ड, तो वेंट्रिकल्स में भी अगरचे उस वक्त रिलैक्सेशन का अमल चल रहा होता है लेकिन वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन में ये फिलिंग ऑफ ब्लड वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। याद रखो अगर आपसे किसी क्वेश्चन में वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन पूछी जाए तो उसमें आपने फिलिंग ऑफ ब्लड को ऑप्ट नहीं करना, लेकिन अगर ये एट्रियल रिलैक्सेशन एट्रियल डायस्टोल के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर पूछा जाए तो वो आप फिलिंग ऑफ ब्लड को पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि एट्रिया आर थिन वॉल चैंबर्स जबकि वेंट्रिकल्स आर वेरी मच थिक वॉल चैंबर, इस वजह से ड्यू टू फिलिंग ऑफ ब्लड एट्रिया तो रिलैक्स कर सकते हैं लेकिन वेंट्रिकल्स रिलैक्स नहीं कर सकते, ठीक है भाई। अच्छा अब जब ये एट्रियल डायस्टोल आपको समझ में आ गया तो एट्रिया जब फुली एक्सपैंड कर जाएंगे, फुली रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया से ब्लड निकलकर इनके वेंट्रिकल्स में दाखिल हो जाता है।
अब ये मौका होता है जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स फुली ओपन हो जाएंगे और ब्लड तेजी से वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर एक सवाल उभरता है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका ब्लड निकलकर वेंट्रिकल्स में ही क्यों जाएगा, ये वापस वेना केवा की तरफ या फिर ये जो पल्मोनरी वेन्स है उनकी तरफ क्यों नहीं जाएगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको यहाँ पर ये पॉइंट बताया था कि जब एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेना केवा में भी वेल्व मौजूद हैं, सेमीलूनर वेल्व, जिनके फ्लैप्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, और इसी तरह से यहाँ ये जो इन्फीरियर वेना केवा है इसके अंदर भी वेल्व मौजूद हैं और इनके फ्लैप्स की डायरेक्शन यूं अपवर्ड है। यानी यूं समझ लें कि ये जो दोनों वेल्व्स यहाँ पर लगे हैं और इसी तरह से पल्मोनरी वेन्स के अंदर भी वेल्व्स लगे हैं, दीज वेल्व्स आर एक्चुअली क्लोज्ड व्हेन एट्रियल सिस्टोल अकर्स। ये जो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हुई है इसको नाम दिया जा रहा है एट्रियल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। तो एट्रियल सिस्टोल के दौरान चूंकि ये वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा और दूसरी तरफ ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं इनके वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं, इस वजह से ब्लड वापस इन वेन्स की तरफ नहीं जा पाता और नतीजतन ये जितना भी ब्लड यहाँ एट्रिया के अंदर मौजूद है ये इनके वेंट्रिकल्स में दाखिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए। इसके ऊपर भी सवाल बनता होता है कि व्हेन एट्रियल सिस्टोल अकर्स ब्लड विल गो इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ब्लड ऑलवेज गो इनटू द वेंट्रिकल्स, ब्लड कैन नॉट गो इनटू द सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। और अगर यहां पर रीजन पूछा जाए कि व्हेन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स व्हाई ब्लड डज नॉट एंटर इनटू द वेना केवा, तो बिकॉज वेना केवा हैज वेना केवी, दोनों वेना केवी हैं, वेना केवी प्लूरल वर्ड है, बिकॉज वेना केवी हैव सेमी ल्यूनर वेल्स देयरफॉर ब्लड कैन नॉट एंटर इनटू द वेना केवी अपॉन एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए। और इसी तरह से अगर ये लेफ्ट एट्रियम की बात हो रही है कि इसके अंदर जब सिस्टोल परफॉर्म हो तो ब्लड वापस पल्मोनरी वेन में क्यों नहीं जाता, तो यहां पर भी वेल्व्स की वजह से ब्लड वापस वेन्स में नहीं जाता। तो अब आपने देखा कि जब ये दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड निकलकर एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व से गुजरता हुआ वेंट्रिकल्स में दाखिल हो चुका और इस दौरान में जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं वो फुली ओपन हो गए। यहाँ पर बच्चों आपको ये जो वेल्व अपरेटस गिवन है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स दोनों, एक लेफ्ट और दूसरा राइट, और फिर इसी तरह से सेमी लूनर वेल्व्स विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एओर्टा एंड एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, इन सब की आपको एक्टिविटी जरूर पता होनी चाहिए कि किस वक्त ये ओपन होते हैं किस वक्त क्लोज होते हैं। तो आपने नोटिस किया कि जब एट्रियल डायस्टोल हो रहा था तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स वर पार्शली ओपन, बट व्हेन एट्रियल सिस्टोल अकर्स तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स आर नाउ कंप्लीटली ओपन। ठीक है, और उसके बाद अब जब ये वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल होगा, यानी अगला अब मरला क्या है, जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल हो जाता है तो वेंट्रिकल उस वक्त ऑलरेडी रिलैक्स स्टेट में होते हैं। ये याद रखिए कि व्हेन ब्लड इज रिसीव्ड बाय द वेंट्रिकल दे आर ऑलरेडी इन रिलैक्स स्टेट। ये ऐसा नहीं है कि ब्लड रिसीव करने पर ये रिलैक्स कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वेंट्रिकल्स की जो रिलैक्सेशन है वो आपने फिलिंग ऑफ ब्लड के साथ रिलेट नहीं करनी। ठीक है, तो जब ये वेंट्रिकल्स में ब्लड दाखिल हुआ है फुली तौर पर तो उस वक्त वेंट्रिकल ऑलरेडी रिलैक्स स्टेट में, इस वजह से ब्लड रिसीव करें पर ये मजीद रिलैक्स नहीं करते। अब जब इनके अंदर ब्लड आ जाता है तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पहले, तो वेंट्रिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, दिस इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखो पहले हमने एट्रियल डायस्टोल एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिर एट्रियल सिस्टोल, और अब हम बात कर रहे हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल की। तो जब ये वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल होगा तो यहां पर बहुत सारी नई चीजें होने वाली हैं, जरा गौर कीजिए। देखो जब ये वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल होगा और वेंट्रिकल्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसी सूरत में जो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है वो क्या वापस एट्रिया में चला जाएगा? नो। ठीक है, ये जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि अपॉन वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेयर ब्लड विल मूव, तो ब्लड की अब मूवमेंट किस जानिब होनी है? वेंट्रिकल्स में से ब्लड, जो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड मौजूद है इट विल गो इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है इट विल गो इनटू द एओर्टा। तो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के जरिए ब्लड पंप हो जाएगा आउट ऑफ द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जैसे पल्मोनरी ट्रंक आगे जाकर फिर ये डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट पेयर ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज जो कि इसको लंग्स के अंदर लेके जाती हैं, और जबकि एओर्टा पूरी बॉडी के अंदर इनको सप्लाई करता है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो आपने ये याद रखना है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब परफॉर्म होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस वक्त वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। देखो हार्ट के ये जो चैम्बर्स हैं ना, इनका भी अपना प्रेशर होता है, और ये प्रेशर हमेशा सिस्टोल इवेंट के दौरान बहुत हाई हो जाता है और डायस्टोल इवेंट के दौरान कम हो जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि एट्रियल डायस्टोल, तो उस वक्त याद रखो कि एट्रियल प्रेशर बहुत कम होगा, बट जब हमने बात की कि एट्रियल सिस्टोल, तो एट्रियल प्रेशर उस वक्त हाई हो गया था। अब हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, तो इस वक्त वेंट्रिकुलर प्रेशर हाई हो गया है। और इसमें भी आप फर्क याद रखिएगा कि चूंकि राइट वेंट्रिकल के मुकाबले में लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल 3 times थिकेंड होती हैं, इस वजह से यहाँ पर जो प्रेशर बिल्ट होगा वो राइट वेंट्रिकल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इस प्रेशर की वजह से, ये जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है, इसकी वजह से ब्लड ने पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करना है। इसी प्रेशर की वजह से अब आगे जो ब्लड वेसल्स हैं यानी आर्टरीज, उनके अंदर भी ब्लड का एक प्रेशर वहाँ पर नज़र आएगा आपको, क्योंकि इनिशियली ये प्रेशर वेंट्रिकल्स में डेवलप होता है और उसके बाद फिर ये ब्लड का प्रेशर आपको डिफरेंट आर्टरीज के अंदर नजर आता है और ग्रेजुअली फिर ये प्रेशर कम होता चला जाता है। ये इसके ऊपर हम आगे चलकर भी डिटेल से बात करते हैं। तो बहरहाल जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल इवेंट परफॉर्म हुआ, वेंट्रिकल्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुए और ब्लड निकलकर एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के तरफ चला गया, तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त वो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स ओपन थे इससे पहले वाले फेज में, एट्रियल सिस्टोल में मैंने बताया था कि वो फुली ओपन हो गए थे और उससे पहले वो पार्शली ओपन थे, और एट्रियल सिस्टोल में जब वो फुली ओपन हो गए, लेकिन वेंट्रिकुलर सिस्टोल में दे आर नाउ क्लोज्ड, यानी ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स हैं ये एक आवाज के साथ इस तरह बंद होंगे, इनके जो फ्लैप्स हैं वो आपस में यूं ऐसे करके टकराते हैं, और इनके यूं टकराने से एक साउंड जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्ट बीट साउंड, दैट इज लब साउंड। ठीक है, इसको लब साउंड कहा जाता है, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट हार्ट बीट साउंड। तो ये फर्स्ट हार्ट बीट साउंड, दैट इज लब साउंड, इट इज जनरेटेड फ्रॉम एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स, और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स किस वक्त इस साउंड को जनरेट करते हैं, वेन दे आर गोइंग टू क्लोज और वेन दे आर ओपन। तो एक्चुअली एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, दिस फर्स्ट हार्ट बीट साउंड इज जनरेटेड। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना है। अक्सर सवाल में पूछा जाता है कि ये जो लब साउंड है ये कार्डियक साइकिल के किस फेज के दौरान अपीयर होता है, या लब साउंड हार्ट में से किस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। तो पॉइंट आपने याद रखना है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व की क्लोजिंग के दौरान, और उस वक्त फेज कौन सा है कार्डियक साइकिल का, उस वक्त वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज होगा। अच्छा, तो अब जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज परफॉर्म होगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व तो हो गए क्लोज, बट वट अबाउट द सेमी लूनर वेल्स विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक। ये सेमी लूनर वेल्स दोनों, एओर्टिक सेमिलूनर वेल्व और जो पल्मोनरी सेमिलूनर वेल्व्स हैं, बोथ आर एक्चुअली ट्राइकस्पिड। आपको याद होगा ये दोनों ट्राइकस्पिड वेल्व्स हैं, और ये दोनों ट्राइकस्पिड वेल्व्स, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान इनमें कैसी मूवमेंट होगी, ये ओपन होंगे या क्लोज होंगे। तो ऑब्वियसली चूंकि एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से ये ब्लड बाहर निकल रहा है, तो दे मस्ट बी ओपन ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान ये दोनों एओर्टिक और पल्मोनरी सेमिलूनर वेल्व्स ओपन हो जाएंगे, और जबकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व इस वक्त क्लोज होंगे। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ इन दोनों वेल्व्स की एक्टिविटी याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर ये बात भी जहन में रहे कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स ये दोनों एक साथ क्लोज होते हैं, यानी लेफ्ट और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व ये दोनों एक साथ क्लोज होते हैं, और इसी तरह से जो दोनों सेमी लूनर वेल्व हैं, एओर्टिक और पल्मोनरी सेमिलूनर वेल्व, ये दोनों एक साथ खुलते हैं और ये भी एक साथ ही बंद होंगे भी आगे चलकर, आपने देखना है। इसी वजह से ये जो फर्स्ट हार्ट बीट साउंड था ये सिंगल साउंड था, ऐसा नहीं है कि ये दो दफ़ा आवाज़ आए लब लब। अगर ये 2 times यूँ फर्स्ट हार्ट बीट साउंड सुनाई देता है लब लब ऐसे करके, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व होंगे लेफ्ट एंड राइट, ये एक वक्त में क्लोज नहीं हो रहे, ये अल्टरनेटिवली क्लोज हो रहे हैं। इस वजह से ये जो फर्स्ट साउंड था वो डबल हो रहा है, वो लब बबलिंग कर रहा है, इस तरह से लब लब ऐसे करके आवाज़ आ रही है। तो ये जब हम स्टेथोस्कोप लगाकर पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उसकी हार्ट बीट से पता चल रहा होता है कि उसमें ये वेल्व्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, एक साथ क्लोज और ओपन हो रहे हैं, या फिर अल्टरनेटिवली ये ओपन और क्लोज हो रहे हैं।
अच्छा बहरहाल वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद अगला मरहला क्या आता है, वेंट्रिकल इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड को पंप कर चुके हैं और उसके बाद अब ये रिलैक्स होने जा रहे हैं। अब देखो जब ये रिलैक्स कर रहे होते हैं ना तो इनकी रिलैक्सेशन की वजह से एक सक्शन क्रिएट होती है ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त एक सक्शन क्रिएट होती है, तो ड्यू टू दिस सक्शन ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स आप देख रहे थे ये अब खुल जाएंगे। पहले पिछले फेज में आपको मैंने बताया कि ये दोनों क्लोज हो गए थे, लेकिन अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान जब एक सक्शन क्रिएट होगी तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स पार्शली ओपन हो जाएंगे और ये पार्शली ओपन होने के बाद यहां से जो ब्लड है एट्रिया से वो थोड़ा थोड़ा करके वेंट्रिकल में दोबारा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कब की बात हो रही है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो उस वक्त वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान एक सक्शन क्रिएट होती है और उस सक्शन की वजह से एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स ओपन हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट द सेमिलूनर वेल्स प्रेजेंट इन एओर्टा एंड इन द एट द बेस ऑफ द एओर्टा एंड एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक, उनमें क्या होगा? तो देखो सक्शन की वजह से दरअसल ये दोनों सेमिलूनर वेल्स एओर्टिक और पल्मोनरी सेमिलूनर वेल्स ये क्लोज हो जाएंगे। इनके फ्लैप्स की डायरेक्शन इस तरह ऊपर की तरफ होती है और जैसे नीचे से सक्शन क्रिएट होगी और ब्लड जो यहां से निकल चुका था वापस आने की कोशिश करते हैं तो इसके फ्लैप्स इस तरह से एक और साउंड पैदा करते हैं और ये क्लोज हो जाते हैं। सो ये जो साउंड आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड डप साउंड, दिस इज नोन एज डप साउंड। तो ये जो डप साउंड है दिस इज रेफर टू ए सेकेंड हार्ट बीट साउंड। ठीक है, पहला हार्ट बीट साउंड आपने एनालाइजर किया जिसे लब साउंड का नाम दिया और ये सेकेंड हार्ट बीट साउंड दिस इज नोन एज डप साउंड। तो ये डप साउंड एक्चुअली सेमिल्यूनर वेल्स जो कि एओर्टा की बेस में और पल्मोनरी ट्रंक की बेस में इनकी क्लोजिंग की वजह से ये साउंड जनरेट हुआ है। और किस फेज के दौरान जनरेट हुआ है? ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान ये जनरेट हुआ है। ठीक है, तो आपने अब ये बात जहन में बिठा लेनी है कि इन वेल्स की एक्टिविटी कैसे हो रही है कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान अब ये सेमिलूनर वेल्स क्लोज हो चुके हैं और जबकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स पार्शली ओपन हो चुके हैं और एट्रियल डायस्टोल के दौरान भी ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स थे ये पार्शली ओपन थे और फिर इसी तरह से एट्रियल सिस्टोल के दौरान ये फुली ओपन हो गए थे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स कंप्लीटली क्लोज हो गए थे और अब ये जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है इसमें फिर ये पार्शली ओपन हो गए और सेमिलूनर वेल्स ये कम्प्लीटली इस वक्त क्लोज हो चुके हैं। तो सेमिलूनर वेल्स दोबारा कब ओपन होंगे? एक्चुअली सेमिलूनर वेल्स आर ओपन ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आपने ये दोनों वेल्स की क्लोजिंग और ओपनिंग इन डिफरेंट फेजेस के साथ ज़रूर को रिलेट करनी है। यहाँ पर कई एक एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, इनके ऊपर आपकी तवज्जा रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपने जो चार इवेंट्स मुलाहिजा किए हैं ना कार्डियक साइकिल में, ये फोर फेजेस आपको एनलिस्ट करवाएं, अब इनकी सही तरतीब क्या है? देखो होता कुछ इस तरह से कि ये जो पहला फेज था एट्रियल डायस्टोल और आखिरी फेज जिसको हमने वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहा है, एक्चुअली ये दोनों डायस्टोल्स एक साथ परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब जरा समझना है आपने कि ये दोनों जो डायस्टोल हैं ये एक साथ परफॉर्म होते हैं। होता कुछ इस तरह से, मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि ये जो मेरा हाथ है ये है एक्चुअली एट्रिया और ये जो मेरा दूसरा हाथ है ये एक्चुअली वेंट्रिकल्स हैं। तो जब ये एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं इस तरह से तो ब्लड इनके अंदर दाखिल हो रहा है और इसकी रिलैक्सेशन हो रही है। जब ये एट्रिया फुली रिलैक्स कर जाएंगे तो ऐसी सूरत में फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे जो वेंट्रिकल्स हैं वेंट्रिकल्स वो ऑलरेडी रिलैक्स स्टेट में मौजूद होते हैं और वो ब्लड को रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही ब्लड इनके अंदर रिसीव हो जाएगा तो अब ये वेंट्रिकल्स यूं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा और उसके बाद आप देखो ये दोनों इस वक्त कॉन्ट्रैक्टेड हैं। अब दोनों की रिलैक्सेशन एक ही वक्त में होनी है, यानी इस वक्त ये एट्रिया भी रिलैक्स कर रही हूँ और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स कर रहे हैं। ये अलग बात है कि एट्रिया की रिलैक्सेशन ब्लड की फिलिंग की वजह से हो रही है और वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन ब्लड की फिलिंग की वजह से नहीं हो रही, अगरचे थोड़ा थोड़ा ब्लड उसके अंदर आ रहा है लेकिन वो ब्लड इतना नहीं है कि उसके अंदर वो प्रेशर बिल्ड करे और उसकी वजह से वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाए। तो इस तरह से देखो ये रिदम बन रहा है कि ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन दोनों की एक वक्त में, फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन एक वक्त में, ये इस तरह से ये काम चल रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो यूं आपने ये सारी कहानी याद रखनी है इस तरतीब से।
चूंकि ये दोनों डायस्टोलिक फेज एक ही वक्त में परफॉर्म हो रहे हैं, लिहाजा एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे, और इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो अब सीक्वेंस क्या बनेगा, तो अब हमारे पास सीक्वेंस यूं बनेगा। देखिए ये आपके सामने देखिए एट्रियल सिस्टोल शो किया गया, एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जो एट्रिया ने ब्लड रिसीव कर लिया था अब वो ब्लड निकल कर वेंट्रिकल्स में दाखिल हो गया, सही। तो ये एट्रियल सिस्टोल तकरीबन कोई 0.1 सेकंड में ये एट्रियल सिस्टोल इवेंट परफॉर्म हो जाता है, और उसके बाद फिर जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा तो वेंट्रिकल्स अब फौरन से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ऐसी सूरत में जो ब्लड वेंट्रिकल्स में था वो निकल कर फौरन से पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा राइट वेंट्रिकल से, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है वो दरअसल एओर्टा में चला जाएगा। तो आप देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड इट टेक्स अबाउट 0.3 सेकंड ड्यूरेशन। तो पहला इवेंट इस तरह से ये यहां पर हमने इसको एक्सप्लेन किया, फिर दूसरा इवेंट इसको एक्सप्लेन किया, और उसके बाद फिर ये जो दोनों का डायस्टोल है वो एक साथ परफॉर्म किया जा रहा है। देखो यहां पर दोनों एट्रिया भी रिलैक्स कर रहे हैं और दोनों वेंट्रिकल्स भी इस वक्त रिलैक्स कर रहे हैं। ये जो दोनों एट्रिया की रिलैक्सेशन हो रही है, मैं दोबारा फिर आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं किस वजह से हो रही है, ड्यू टू द फिलिंग ऑफ द ब्लड, चूंकि ये थिन वॉल थे, लेकिन अगर से उस वक्त थोड़ा थोड़ा ब्लड ये इधर भी आ रहा होता है, ये आपको यहां पर ये शो किया है कि यहां पर ब्लड दाखिल हो रहा है, लेकिन वो ब्लड इतना ज्यादा तेजी से नहीं आ रहा कि इधर प्रेशर बिल्ड करे और वेंट्रिकल्स को ये रिलैक्स करवा सके। तो वेंट्रिकल्स ये वैसे ही रिलैक्स कर रहे होते हैं जब ये एट्रिया रिलैक्स कर रहे होंगे, एट्रिया की रिलैक्सेशन अगरचे ब्लड की फिलिंग की वजह से, लेकिन वेंट्रिकल वैसे ही रिलैक्स करते जाएंगे, और अब दोनों की रिलैक्सेशन एक ही वक्त में परफॉर्म होगी, और उसके बाद जब ये दोनों फुली रिलैक्स कर जाएंगे तो एट्रिया अब एक बार फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यूं ये सिलसिला चलता रहेगा, इसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। अब इस कार्डियक साइकिल में हम पहला फेज किसको कंसिडर करें, दूसरा किसको कंसिडर करें, तीसरा किसको कंसिडर करें, तो आप ये याद रखो कि ये जो रिलैक्सेशन फेज था जो कि बेसिकली डुअल रिलैक्सेशन फेज है, जिसमें एट्रियल रिलैक्सेशन यानी एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल दोनों यहां पर मर्ज हो गए थे, दिस इज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, और उसके बाद फिर सेकेंड फेज ये एट्रियल सिस्टोल कंसिडर किया जाएगा, एंड द थर्ड फेज विल बी कंसिडर एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इस तरतीब से आपने इसको याद रखना है, डायस्टोल देन एट्रियल सिस्टोल देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल देन डायस्टोल देन एट्रियल सिस्टोल देन वेंट्रिकुलर। तो सम टाइम एमसीक्यूज में ना इन तीनों फेजेस का सीक्वेंस पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, तो उसमें आपने ये सीक्वेंस याद रखना है कि डायस्टोल किसका डायस्टोल, किसी एक का नहीं, दोनों का डायस्टोल एक साथ होना है, ठीक है। यहां पर आपको समझाने के लिए पहले मैंने अलग अलग डायस्टोल बताए, लेकिन मैंने साथ अब आखिर में आपको बताया कि ये दोनों डायस्टोल एक साथ परफॉर्म होंगे, तो इस वजह से इनको इकट्ठा कंसिडर करना है, तो ये फर्स्ट फेज भी कहलाएगा, और उसके बाद फिर ये सेकेंड और फिर ये थर्ड। यहां पर बच्चों देखो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहां पर ये जो अगर हम ये एट्रियल जो एट्रिया सबसे पहले ब्लड को रिसीव कर रहे होते हैं ना, तो यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो एट्रियल सिस्टो डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल इसको सपोज करो हम पहला फेज का है, और एट्रियल डायस्टोल के बाद फिर ये एट्रियल सिस्टोल दूसरा फेज, और फिर वेंट्रिकुलर ये सिस्टोल ये तीसरा फेज, तो उसके बाद फिर ये वेंट्रिकल्स का जो डायस्टोल है ये दोबारा अगले एट्रियल सिस्टोल के साथ मर्ज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो डायस्टोल्स हैं, ये दो डायस्टोल एट्रियल डायस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इनमें से एक जो डायस्टोल था एट्रियल डायस्टोल वो नेक्स्ट कार्डियक साइकिल का होता है, और जो दूसरा डायस्टोल यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल वो प्रीवियस कार्डियक साइकिल का होता है। तो ये दो अलग अलग कार्डियक साइकिल के डायस्टोल्स यहां पर इकट्ठे हुए हैं। इस पॉइंट को भी जरा समझने की कोशिश करें। देखो मैंने आपसे कहा है कि एट्रियल डायस्टोल, फिर ये एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो फिर इसी वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान दोबारा एट्रियल डायस्टोल हो रहा है। तो ये जो एट्रियल डायस्टोल हो रहा है ये नेक्स्ट कार्डियक साइकिल का फेज है, जबकि जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल यहाँ परफॉर्म हुआ है ये पिछली कार्डियक साइकिल का फेज है। तो ये डायस्टोलिक फेज में दो कार्डियक साइकिल के फेजेस मर्ज हो रहे होते हैं, एक नेक्स्ट कार्डियक साइकिल का फेज और एक प्रीवियस कार्डियक साइकिल का। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज
the events of two different cardiac cycles are merged together. तो आपने ये diastolic phase याद रखना है, इसमें दो consecutive cardiac cycle के phases merge हो रहे हैं, और वो कौन से वाले phases हैं जो merge हो रहे हैं? Obviously वो diastolic phases हैं, एक atrial diastole और दूसरा ventricular diastole. अच्छा, तो अब आपने ये पूरी कार्डियक साइकिल का कंप्लीट ड्यूरेशन भी मुलाहजा किया कि 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड और ये 0.4 सेकंड, इस तरह से इनको अगर हम टोटल करें तो ये हमारे पास तकरीबन कोई 0.8 सेकंड के करीब बनता है. तो डिफरेंट पर्संस के अंदर और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर ये हार्ट बीट या ये जो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है वेरी कर रहा होता है. ये 0.7 टू 0.8 ये नॉर्मल है, और समटाइम किसी शख्स में इससे ज़्यादा और इससे कम भी हो सकते हैं, और दो एक्टिव कार्डियक साइकिल के दरमियान बीच में कुछ डिले भी आता है, तो 0.1 टू 0.3 सेकंड या समटाइम इससे ज्यादा डिले भी इंक्लूड हो जाता है. तो इस डिले को मद्देनजर रखते हुए और साथ ये कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन अगर आप माइंड में रखें तो आप नोटिस करें कि एक मिनट के दौरान ये कितनी दफा ये कार्डियक साइकिल परफॉर्म हो सकती है. तो एक मिनट में जितनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म होंगी उतनी हार्ट बीट्स भी होंगी. तो एक मिनट में आमतौर पर मेल्स के अंदर 72 हार्ट बीट्स पर मिनट या 72 कार्डियक साइकिल पर मिनट अज्यूम की जाती हैं, और जबकि एक फीमेल के अंदर 80 कार्डियक साइकिल्स पर मिनट या फिर 80 हार्ट बीट्स पर मिनट कंसिडर की जाती हैं. ये एडल्ट ह्यूमन बींग्स का आपको बताया, बच्चों के अंदर नॉर्मली थोड़ा सा ये हार्ट बीट फास्ट होती है, और इसी तरह से बूढ़े अफराद में भी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो जाती है. तो हार्ट बीट के अंदर ये जो डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर वेरिएशन आ रही होती हैं, इनके लिए दो टर्म्स अक्सर यूज़ की जाती हैं. उनमें से एक को कहते हैं टैकीकार्डिया. तो टैकीकार्डिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, यानी ये तकरीबन कोई 140 हार्ट बीट्स पर मिनट पे ये रेट चला जाता है. तो इस सिचुएशन को टैकीकार्डिया कहा जाएगा. और इसी तरह से एक और टर्म यहाँ पर यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रैडीकार्डिया. तो ब्रैडीकार्डिया का मतलब है स्लो हार्ट बीट, और ये स्लो कितनी स्लो हो जाती है, ये काफ़ी स्लो जाती है. यानी अगर सपोज़ करो कि ये 40 हार्ट बीट्स पर मिनट से भी ये हार्ट बीट स्लो हो जाती है तो इसको ब्रैडीकार्डिया कहा जाएगा, और अगर ये 140 हार्ट बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तो ये टैकीकार्डिया, और अदरवाइज़ ये आप नॉर्मल हार्ट बीट देख रहे हैं और इसमें थोड़ी बहुत जो चेंजेस आएंगी उनको भी नॉर्मल में ही कंसिडर किया जाएगा. असल में ये जो टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया की टर्म्स हैं, ये अमूमन उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब कंटिन्यूसली हार्ट इसी तरह की सिचुएशन शो कर रहा होता है, यानी कंटिन्यूसली हार्ट बीट बहुत फास्ट आ रही हो तो उसे टैकीकार्डिया कंसिडर किया जाएगा, और कंटिन्यूसली अगर हार्ट बीट बहुत स्लो आ रही है तो उसे ब्रैडीकार्डिया कंसिडर किया जाएगा. अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर भी इसी कार्डियक साइकिल के डिफरेंट फेजेस को ही यहाँ पर शो किया हुआ है, और यहाँ पर आपको वही जो वेल्व्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग और इसके साथ साथ मूवमेंट ऑफ ब्लड को इंडिकेट किया हुआ है. आप देख रहे हैं कि जब ये एट्रियल सिस्टोल हुआ तो उस वक्त ये ब्लड निकल कर वेंट्रिकल्स में आ रहा है, यानी इस वक्त ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं दे आर फुली ओपन. उसके बाद जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल परफॉर्म हो रहा है तो अब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स नाउ दे आर क्लोज्ड, और जो सेमिलूनर वेल्स हैं एओर्टिक और पल्मोनर ये दोनों ओपन हो गए और ब्लड बाहर चला गया. तो पहला जो साउंड था लब साउंड वो इस जगह पे जनरेट हुआ है जब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स क्लोज हुए, और उसके बाद फिर जो डब साउंड है वो डब साउंड एक्चुअली जनरेट होगा जब ये डायस्टोलिक फेज परफॉर्म होगा. तो डायस्टोलिक फेज के परफॉर्म होने से ये सेमिलूनर वेल्स क्लोज हो जाएंगे और इस तरह से ये डब साउंड जनरेट होगा. तो उस वक्त डायस्टोलिक फेज में आप देखिए कि ब्लड ना सिर्फ एट्रिया के अंदर दाखिल होने लग गया है बल्कि टू सम एक्सटेंट ब्लड ऑल्सो एंटर्स इन टू द वेंट्रिकल. तो उसके बाद ये इस तरह से आपने किस फेज में ब्लड कहाँ पे जा रहा है, किस फेज में कौन सा वेल्व ओपन हो रहा है, इन सारी बातों को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें. इस हवाले से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते होते हैं. अच्छा, तो ये इसी तरह का एक एमसीक्यू आप देखिए कि विच स्टेट्स द सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन वन हार्ट बीट. ठीक है, अब एक हार्ट बीट के दौरान जो सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ पे सही तौर पर शो किया जा रहा है. तो आप ज़रा गौर करें कि लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टुगेदर, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कभी भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, ये सिस्टोल्स की बात हो रही है. तो एट्रिया और
दोनों एट्रिया तो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट एट्रियम एंड वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, इस वजह से हम इसको इधर ही डिस्कार्ड कर देंगे। फिर देखो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल पॉज, यानी इस तरतीब से कि भाई लेफ्ट एट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल फिर राइट एट्रियम फिर राइट वेंट्रिकल, ऐसा भी मुमकिन नहीं है भाई। दोनों एट्रिया मैंने आपको बताया कि एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अच्छा फिर देखो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम टुगेदर, हाँ जी अब यहां पर देखो ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों की एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगी, देन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल टुगेदर, और उसके बाद फिर बीच में एक पॉज आएगा, बिल्कुल, यानी यहां पर थोड़ा सा वो जो डिले आपको बताया था, फिर दोबारा से ये रिपीटेशन होगी, यानी दोनों एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन एक साथ, दोनों वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन एक साथ, बीच में फिर पॉज, फिर दोबारा ये, तो ये वाला आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इधर देखिए राइट एट्रियम देन राइट वेंट्रिकल, अगेन ये गलत हो जाता है, तो राइट आंसर मस्ट बी सी, ये जो सी ऑप्शन है दिस इज द राइट वन। अच्छा उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो कार्डियक साइकिल जो अभी हमने डिस्कस किए, कार्डियक साइकिल जो कि एक हार्ट बीट के दौरान सीक्वेंस ऑफ इवेंट को हमने नाम दिया था, और एक हार्ट बीट आपको अभी बयान की कि ये वन टाइम कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड वन टाइम पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट है, और इस हार्ट बीट के दौरान जितने भी सीक्वेंस जितने भी इवेंट्स हुए थे उनके सीक्वेंस को हमने कार्डियक साइकिल का नाम दिया। तो ये कार्डियक साइकिल एक्चुअली रेगुलेट कैसे होती है, कंट्रोल कैसे हो रही है, यानी इसको हम कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट भी कह सकते हैं या इसको कंट्रोल ऑफ कार्डियक साइकिल भी कह सकते हैं, या जो सिस्टम इस कंट्रोल में इन्वॉल्व हो रहे हैं उस सिस्टम की मुनासबत से यहां पर हम कह सकते हैं कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, विच सिस्टम कंट्रोल्स द हार्ट बीट या विच सिस्टम कंट्रोल्स द कार्डियक साइकिल, सो इस सिस्टम को कहते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट इज नॉट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर जो कंडक्शन सिस्टम है वो उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बट कीप इन योर माइंड ये जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है दिस इज नॉट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्चुअली दिस इज द रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच कंट्रोल्स द हार्ट बीट विच कंट्रोल्स डिफरेंट फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट ये किस चीज पर मुश्तमिल है इसको हमने जरा जानना है यहां पर। अच्छा देखो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में जो कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं उनमें एक है साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, दूसरा कंपोनेंट है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, फिर देखिए एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल या इसको बंडल ऑफ हिस कहा जाता है, बंडल ऑफ हिस, और फिर इसी तरह से बंडल ब्रांचेस एंड देन कंडक्टिंग मायोफाइबर्स जिनको परकिंजी फाइबर्स भी कहा जाता है। सो दीज फाइव आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो साइनो एट्रियल नोड है ये क्या चीज है। साइनो एट्रियल नोड बेसिकली जैसे एसए नोड भी कहा जाता है, ये पेसमेकर है हमारे हार्ट का, पेसमेकर। ये कहां पाया जाता है, दिस इज एक्चुअली सिचुएटेड इन द अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, अपर साइड ऑफ द राइट एट्रियम के अंदर ये सिचुएटेड है। अपर साइड ऑफ राइट एट्रियम का मतलब क्या होगा, यानी जैसे आप ये देख रहे हैं ये राइट एट्रियम है और इसकी जो अपर वॉल है यहां पर आपको ये एक क्लस्टर नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज द साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, दूसरा आप करैक्टर याद रखिए कि दिस इज अ क्लस्टर ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर, यहां इस क्लस्टर के अंदर कार्डियक मसल फाइबर्स हैं बट दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड। ये जो ऐसे नोड है ना इसके बारे में ये अज्यूम किया जाता है कि दरअसल ये साइनस वेनोसस का डेरिवेटिव है। साइनस वेनोसस आपको दूसरे वर्टिब्रेट्स में एक पार्ट नजर आता है जो हार्ट के अंदर हार्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, उसे कहते हैं साइनस वेनोसस। तो साइनस वेनोसस ये आपको दूसरे वर्टिब्रेट्स में मिलेगा, जैसे एम्फीबियंस रेप्टाइल्स वगैरह उनके अंदर ये साइनस वेनोसस एक पार्ट मिलेगा जो हार्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो यही जो साइनस वेनोसस है, दिस साइनस वेनोसस इज मॉडिफाइड इनटू दिस एसए नोड। तो एसए नोड का ओरिजिन अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू एसए नोड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो साइनस वेनोसस आपने नाम याद रखना है, ये अदर वर्टिब्रेट्स में हार्ट के साथ क्लोजली एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर होता है। तो आप ये समझ लें कि जो एसए नोड अभी हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, सो दिस एसए नोड एक्ट एज अ पेसमेकर। व्हाई इट इज कॉल्ड पेसमेकर, बिकॉज दिस मॉडिफाइड क्लस्टर ऑफ हार्ट मसल फाइबर्स इज एक्चुअली एडॉप्टिव फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस के लिए एडॉप्टिव है, इसका काम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना नहीं है,
although it is cardiac muscle fiber, cluster of cardiac muscle fibers, but this is a modified cardiac muscle fiber cluster. और ये किस मकसद के लिए मॉडिफाई हुआ है? एक्चुअली इट इज मॉडिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करने का एक सेंटर है और इसी वजह से हार्ट मसल्स को मायोजेनिक कहा जाता है. देयर फॉर द हार्ट मसल्स आर नोन एज मायोजेनिक इन नेचर. मायोजेनिक का मतलब क्या होता है? मायोजेनिक का मतलब है कि दैट इज इम्पल्सेस फॉर द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्साइटेशन ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द हार्ट. यानी हमारा ये जो हार्ट है, आप हैरान होंगे कि विद इन हार्ट देर आर नो न्यूरॉन्स. हमारे हार्ट के अंदर ये जो ऐसे नोड है, ये इम्पल्स जनरेट करने का सेंटर है. यहाँ से इम्पल्सेस निकलती हैं और ये इम्पल्सेस क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स हैं. जैसे हमारे ब्रेन से या हमारे न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स फ्लो कर रहे होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहते हैं, तो वैसी ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हार्ट के अंदर एक जगह से ओरिजिनेट हो रही हैं और वो जगह जो इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ओरिजिनेट करती है, वो जगह क्या कहलाती है? वो है साइनो एट्रियल नोड. और इसी वजह से साइनो एट्रियल नोड को पेस मेकर कहा गया है. दिस इज नोन एज पेस मेकर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ओरिजिन का सेंटर है. एंड दैट्स व्हाई द हार्ट मसल्स आर नोन एज मायोजेनिक. ठीक है, अक्सर एमसीक्यूज में ये बात पूछी जाती है कि हार्ट मसल्स की नेचर क्या है, ये मायोजेनिक है, कार्डियोजेनिक है, या फिर इसी तरह से कोई और टर्म्स क्यों. तो आपने मायोजेनिक को याद रखना है कि ये मायोजेनिक नेचर है, यानी हार्ट ये किसी एक्सटर्नल एक्साइटेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा. इसकी जो एक्टिविटी है वो ब्रेन की इम्पल्सेस पर डिपेंड नहीं कर रही है. हार्ट की फंक्शनिंग के लिए जो इम्पल्सेस हैं वो हार्ट के अंदर से ही ओरिजिनेट होनी है, और वो अंदर कौन सी जगह है? वो है ये साइनो एट्रियल नोड, ऑल्सो नोन एज पेस मेकर. तो आप देखिए कि हार्ट की जो एक्साइटेशन होती है ना, इसको हम इसी वजह से इंट्रिंसिक एक्साइटेशन कहते हैं. यानी हार्ट एक्सट्रिंसिक स्टिमुलेशन पर यूं डिपेंड नहीं कर रहा कि बाहर से हमें इम्पल्सेस मिलेंगी तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, ऐसा नहीं है. हाँ, ये जरूर है कि एक्सट्रिंसिक स्टिमुलेशन हार्ट बीट को इन्फ्लुएंस करती हैं. समटाइम हमारी हार्ट बीट फास्ट या स्लो हो जाती है ड्यू टू सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन, बट एक्चुअली हार्ट बीट का परफॉर्म होना वो दरअसल एक इंटरनल कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, उस पर डिपेंड करता है. और वो कंपोनेंट कौन सा है? वो है एसए नोड या साइनो एट्रियल नोड, जिसे पेसमेकर कहा गया है. तो बाज़ वक़्त ये पेसमेकर ख़राब भी हो जाते हैं, और आजकल ये जो मॉडर्न एडवांसमेंट है उसके तहत हम ये पेसमेकर्स को रिप्लेस कर सकते हैं. आजकल आर्टिफिशियल पेसमेकर्स अवेलेबल हैं और वो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस होती हैं. अगर किसी का पेसमेकर ख़राब हो जाए तो ऐसी सूरत में उसको रिप्लेस किया जाता है बाय आर्टिफिशियल पेसमेकर, और फिर जब तक उसकी बैटरी काम करती रहती है वो पेसमेकर सही तौर पर वर्क करते हैं. अदरवाइज फिर दोबारा जब वो ख़राब हो जाएगा तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. तो ये आजकल जो मॉडर्न एडवांसमेंट है उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है. बहरहाल ये जो नेचुरल पेस मेकर है, इसकी लोकेशन आपने याद रखनी है. ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है. एंड दिस इज एक्चुअली सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम में भी ये अपर रीजन में सुपीरियर साइड पर मौजूद है. सेकेंडली आप यहां पर देखिए, दूसरा जो कंपोनेंट आपको यहां पर पॉइंट आउट किया है, द नेक्स्ट कंपोनेंट इज एक्चुअली एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड से कहा जाता है. एवी नोड कहां पर मौजूद है? दिस इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द बेस ऑफ द राइट एट्रियम. देखो, सुपीरियर साइड ऑफ द राइट एट्रियम में एसए नोड एंड इंफीरियर या बॉटम साइड ऑफ द राइट एट्रियम के अंदर एवी नोड प्रेजेंट है. सिमिलरली एवी नोड भी एक मॉडिफाइड क्लस्टर है हार्ट मसल फाइबर्स का, लेकिन एवी नोड डज नॉट एक्ट एज पेस मेकर. पेस मेकर एक ही है. बास बच्चे यहां पर कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि शायद ये दोनों पेसमेकर्स होंगे. ऐसा नहीं है. पेसमेकर सिर्फ एसए नोड है. एवी नोड अगरचे एसए नोड की तरह ये भी एक मॉडिफाइड क्लस्टर है हार्ट मसल फाइबर्स का. तो एवी नोड के बाद फिर आप देखिए एक इसमें से थिक ब्रांच निकल रही है, इसको कहते हैं बंडल ऑफिस. ये यहाँ पर जो आपको लेबलिंग नज़र आ रही है, ये लेबलिंग थोड़ी सी नीचे लगी हुई है. एक्चुअली बंडल ऑफ हिस, इसको हिज नहीं कहेंगे, बंडल ऑफ हिस. दिस बंडल ऑफ हिस इज एक्चुअली द ब्रांच दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एवी नोड. ठीक है, इसको बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं या एवी बंडल भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज एवी बंडल. सो दिस एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस इज द ब्रांच विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एवी नोड. और एवी नोड से निकलने के बाद अब ये जो बंडल है ये
वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में दाखिल हो जाएगा। ठीक है, देखो ये इन द वॉल ऑफ एट्रिया आप देख रहे हैं, बॉटम साइड पर आपको एवी नोड मिल रहा था और यहां से ये जो एवी बंडल है या बंडल ऑफ हेस निकलने के बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम है उसके अंदर ये दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। एंड देन दिस एवी बंडल आफ्टर एंटरिंग इन टू द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज डिवाइडेड इन टू टू ब्रांचेज। नाउ दीज टू ब्रांचेज आर कॉल्ड बंडल ब्रांचेज, इन दोनों को दरअसल बंडल ब्रांचेज कहा जाता है। ठीक है, बंडल ब्रांचेज ये हैं। नाउ दीज टू बंडल ब्रांचेज, ये बंडल ब्रांचेज दो होती हैं, एवी बंडल एक ही था। तो नाउ दीज टू बंडल ब्रांचेज मूव इन टू बोथ साइड ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल, यानी एक इनमें से बंडल ब्रांच ये राइट वेंट्रिकल की वॉल में स्प्रेड हो जाएगी और दूसरी बंडल ब्रांच ये लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में स्प्रेड हो जाएगी। और उसके बाद फिर इन बंडल ब्रांचेस से जो बहुत थिन ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं जो पूरे वेंट्रिकल की वॉल के अंदर फैली हुई हैं, दोज आर कॉल्ड परकिंजी फाइबर्स। परकिंजी फाइबर्स जो होते हैं ना, दे आर कंडक्टिंग मायोफिब्रिल्स, इनको कंडक्टिंग मायोफिब्रिल्स कहा जाता है बिकॉज दे एक्ट जस्ट लाइक द न्यूरॉन्स। एक्चुअली हार्ट डज नॉट कंटेन न्यूरॉन, कीप इन योर माइंड, अगर किसी एमसीक्यू में पूछा जाए कि हार्ट के अंदर कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हार्ट में ना सेंसरी ना मोटर ना एसोसिएटिव न्यूरॉन है। हार्ट के अंदर जो फिर इंपल्सिस की कंडक्शन है ये कैसे होती है, तो हार्ट के अंदर इंपल्सिस की कंडक्शन दरअसल परकिंजी फाइबर्स के जरिए होती है। ठीक है भाई, तो परकिंजी फाइबर्स आर कंडक्टिंग मायोफिब्रिल्स। परकिंजी फाइबर्स के अंदर ना थोड़ी सी अडाप्टेशन पाई जाती है फॉर द कंडक्शन ऑफ इंपल्सिस। जैसे परकिंजी फाइबर्स में जो अडाप्टिव फीचर्स में उसमें ये क्या है कि दे हैव लार्ज डायमीटर विद ब्रांचेस, यानी ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, ये मसल फाइबर जो हार्ट के मसल्स के फाइबर्स हैं, तो ये हार्ट मसल फाइबर एक्चुअली ब्रांच्ड होते हैं, तो इनके अंदर ब्रांचेस बहुत कम है। ठीक है, दे हैव लार्ज डायमीटर विद लेस ब्रांचेस, इनमें ब्रांचेस बहुत कम होंगी, मोस्टली आपको परकिंजी फाइबर्स सीधे सीधे नजर आएंगे अनब्रांच। अच्छा, और दूसरा फिर देखिए कि दे हैव फ्यूअर मायोफिब्रिल, इनके अंदर जो मायोफिब्रिल्स की तादाद है वो भी कम हो जाती है। दरअसल ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए दरकार होते हैं, चूंकि इनका काम कॉन्ट्रैक्शन है ही कोई नहीं, इनका काम तो इंपल्सिस को कंडक्ट करना है, लिहाजा मायोफिब्रिल्स की तादाद भी यहाँ पर लेस होगी। और फिर इनके अंदर इंटरकलेटर डिस्क आर वेल डेवलप विद न्यूमरस गैप जंक्शन, यानी यहाँ पर जो इंटरकलेटर डिस्क हैं उनके अंदर ना कुछ यूँ सुराख मौजूद होते हैं जिनको गैप जंक्शन कहा जाता है, बाय विच द साइटोप्लाजम्स ऑफ एडजेसेंट सेल इज कंटिन्यूअस। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्लाज्मोडेस्मेटा आपने प्लांट्स में पढ़े, तो प्लाज्मोडेस्मेटा यहाँ नहीं है, यहाँ पर वही प्लाज्मोडेस्मेटा की तरह गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनके जरिए ये दो एडजेसेंट सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लिहाजा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल में फ्लो करेगा उसको किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरकलेटर डिस्क थी वो थोड़ी सी मॉडिफाइड थी विद न्यूमरस गैप जंक्शन। हालांकि बाकी जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं वहाँ पर आपको इंटरकलेटर डिस्क में इस तरह से गैप जंक्शंस नहीं मिलेंगे, वहाँ पर बाकी जो कार्डियक मसल सेल्स हैं उनके अंदर मायोफिब्रिल की तादाद बहुत ज्यादा होगी और उनके अंदर ब्रांचेस भी ज्यादा होती हैं। तो आपने ये अडाप्टिव फीचर परकिंजी फाइबर्स के जरूर याद रखने हैं। ठीक है भाई, तो अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये सारा कुछ वर्क कैसे करता है ये पूरा सिस्टम। तो इस कंडक्शन सिस्टम में जो सबसे पहले एसए नोड है ना, ये इंपल्स ओरिजिनेट करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकलेगा और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बुनियादी तौर पर एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है। आपने नर्व इंपल्स की फिजियोलॉजी चैप्टर 17 के अंदर सेकंड ईयर वाले पार्ट के अंदर यकीनन पढ़ी हुई है, तो इस वजह से उसको ज्यादा यहां पर मैं जोर नहीं दूंगा। आगे चलकर अभी हम जब चैप्टर 17 में दाखिल होंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन में, तो वहां पर आपको इंपल्स की फिजियोलॉजी डिटेल के साथ समझाई जाएगी, लेकिन आप ज़रूर आप जानते होंगे चूंकि एमडी कैट के आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये फिजियोलॉजी ज़रूर पता है कि जब भी कोई इंपल्स कंडक्ट होती है तो एक्चुअली होता क्या है कि चार्जेस जो सेल के बाहर की तरफ मौजूद होते हैं वो अंदर मूव कर जाते हैं और अंदर वाले वो बाहर मूव कर जाते हैं, इस तरह से ये चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, यानी जो पहले वाली स्टेट होती है जब मोर पॉजिटिव आउटर सरफेस होगी उसको कहते हैं पोलराइज स्टेट, और जब अंदर मोर पॉजिटिव सरफेस हो जाए तो इसे कहा जाएगा डीपोलराइज स्टेट। ठीक है, तो यूं पोलराइज से ये डीपोलराइज हो जाएगी, तो ये किसी एक हिस्से पर इस तरह का अमल होता है, उसके बाद फिर दूसरे हिस्से पर, फिर तीसरे हिस्से पर। नॉर्मली तो ये सारा फेनोमेनन आप न्यूरॉन सेल में देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये जो मॉडिफाइड
कार्डियक मसल फाइबर्स हैं उनके अंदर आपको ये सारी एक्टिविटी नजर आएगी। यहां पर ये डीपोलराइजेशन की एक वेव यूं ट्रैवल करेगी और उसके पीछे पीछे एक रीपोलराइजेशन की वेव ट्रैवल करेगी, फिर दोबारा डीपोलराइजेशन, देन अगेन रीपोलराइजेशन। तो ये इस तरह से ऐसे नोड्स हैं ना, ये इंपल्सिस निकल रही हैं। ये हर एक डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन, ये इंपल्स है, ठीक है। तो आप देखिए कि जब ये ऐसे नोड से डीपोलराइजेशन की वेव निकलती है, तो इस डीपोलराइजेशन की वेव की वजह से, इस इंपल्स की वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर अब थोड़ा सा समझना है बात को। ऐसे नोड से निकलने वाली ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, एक्चुअली दिस वेव ऑफ डीपोलराइजेशन स्प्रेड्स इनटू द वॉल ऑफ द एट्रिया। दिस इंपल्स कैन नॉट गो इनटू द वेंट्रिकल्स, कीप इन योर माइंड। क्या मतलब है कि ये इंपल्स जो ऐसे नोड से अराइज हुई, ये सिर्फ एट्रिया की वॉल में स्प्रेड होगी, ये वेंट्रिकल में दाखिल नहीं हो पाएगी। वो कैसे? वो इस वजह से कि एक्चुअली एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट मौजूद है, जो कि इस बात को प्रिवेंट कर रही है कि जो इंपल्स ऊपर मौजूद है वो यहाँ से नीचे ना जा सके, ठीक है। इस वजह से सिर्फ एट्रिया की वॉल के अंदर ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन स्प्रेड होती है, और इस वेव ऑफ डीपोलराइजेशन के फौरन बाद वेव ऑफ रीपोलराइजेशन भी आएगी इस ऐसे नोड से। लेकिन जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन यहां पर आती है ना, तो वो डिटेक्टेबल होती है, वो आप अभी देखिएगा ईसीजी के अंदर वो डिटेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन थी, वो जब ये एट्रियल वॉल में स्प्रेड हो जाती है, तो एट्रिया इस वेव ऑफ डीपोलराइजेशन के रिजल्ट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसी सूरत में आपने देखा था कि ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। लेकिन ये जो आपने अभी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय वेव ऑफ रीपोलराइजेशन देखी फ्रॉम द एसए नोड, दिस वेव एक्चुअली ये वेंट्रिकल में तो नहीं जा सकी, बट दिस वेव मस्ट रीच टू द एवी नोड। ये जो इंपल्स थी ऐसे नोड की, एवी नोड तक जरूर पहुंची है, और एवी नोड तक इसको पहुंचने में 0.04 सेकंड का अरसा लगा है, ठीक है। तो एवी नोड पर जब ये इंपल्स पहुंचती है, तो एवी नोड हमेशा ये डिपेंडेंट होता है कि इसको कोई इस तरह से सिग्नल मिले तो फिर यहां से इंपल्स ओरिजिनेट हो। यानी ये समझ लो कि ये एक एम्पलीफायर है, जो पीछे से कोई एक सिग्नल आएगा तो ये उसको एम्पलीफाई कर देगा। ऐसा नहीं है कि ये खुद से सिग्नल जनरेट करे, खुद से जो सिग्नल जनरेट कर रहा है वो ऐसे नोड है, और इसी वजह से उसको पेस मेकर कहा गया है। तो अब ये ऐसे नोड से आने वाली इंपल्स ने एवी नोड को झंझोड़ दिया है, और एवी नोड से भी एक इंपल्स ओरिजिनेट हो गई है। और ये इंपल्स जो एवी नोड से ओरिजिनेट हुई, अब ये इंपल्स, ये जो आप एवी बंडल देख रहे हैं, इसके थ्रू वेंट्रिकल्स में दाखिल होगी। मैंने कहा था कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान यू कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, लेकिन वो शीट ये एवी बंडल को इंटरप्ट नहीं कर रही। तो यहां से अब एवी नोड से जो इंपल्स निकलेगी, वो एवी बंडल के जरिए वेंट्रिकल की वॉल में दाखिल हो जाएगी, और फिर एवी बंडल से ये इंपल्स आप देख रहे हैं, ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है, ये दाखिल होगी बंडल ब्रांचेस के अंदर, और बंडल ब्रांचेस से फिर वेंट्रिकल की पूरी वॉल में थ्रू परकिंजी फाइबर ये इंपल्स स्प्रेड हो जाएगी। और इस इंपल्स के नतीजे में, ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है फ्रॉम एवी नोड, इसके नतीजे में वेंट्रिकल्स यूं कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। और फिर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं ना, तो साथ ही एवी नोड से वेव ऑफ रीपोलराइजेशन भी आएगी। याद रखो कि डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन का इवेंट जरूर होना होता है, तो तब जाकर एक इंपल्स कंप्लीट होती है। तो इस इंपल्स में आप देखिए कि जो वेव ऑफ रीपोलराइजेशन आएगी, वो भी नोटेबल होगी, यानी उसकी भी इंटेंसिटी इतनी होती है कि ईसीजी पर इसकी भी रिकॉर्डिंग आएगी। ऐसे नोड से जो आपने दो वेव्स देखी, एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन और दूसरी वेव ऑफ रीपोलराइजेशन, उसमें से वेव ऑफ डीपोलराइजेशन तो नोटेबल है, यानी वो रिकॉर्डेबल है, वो आपको ईसीजी पर नजर आएगी, लेकिन वेव ऑफ रीपोलराइजेशन फ्रॉम एसए नोड वो ईसीजी पर नजर नहीं आएगी। मैं भी आगे चलकर आपको दिखाता हूं। लेकिन एवी नोड की ये जो दोनों इंपल्सेस हैं, यानी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ये भी आपको ईसीजी पर नजर आती है, और वेव ऑफ रीपोलराइजेशन भी ईसीजी पर नजर आती है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा बेटा ख्याल रखिएगा, यहां पर अक्सर गलती हो जाती है।
चाहिए कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन फ्रॉम एवी नोड जो यहां पर स्प्रेड हुई, इसने तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाई यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लेकिन इसी से जो वेव ऑफ रीपोलराइजेशन अब आ रही है तो वो क्या करेगी? तो याद रखो कि वो वेव ऑफ रीपोलराइजेशन भी अगरचे नोटेबल है, रिकॉर्डेबल है, ईसीजी पर नजर आती है, लेकिन वो इसको रिलैक्स नहीं करवाती, वो भी इसी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में ही अपीयर हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसके अंदर वेव ऑफ डीपोलराइजेशन और फिर वो जो वेव ऑफ रीपोलराइजेशन है ऑफ एवी नोड वो भी इसी का हिस्सा है। ये जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है ये उसके बाद फिर इवेंट परफॉर्म होगा। अभी आपको इसी जी में ये चीजें मैं आपको दोबारा से डेमोंस्ट्रेट करूंगा, वहां पर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखो कि हार्ट बीट कंट्रोल हो रही है बाय मींस ऑफ दिस कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो इस कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में अभी आपने ये जो एक्टिविटी देखी है उसका सीक्वेंस आपने ये इस तरह से याद रखना है कि एसए नोड से 0.04 सेकंड के अंदर एवी नोड तक इंपल्स पहुंचती है और एवी नोड से फिर आप देखिए बंडल ऑफ हेस और फिर बंडल ब्रांचेस और परकिंजी फाइबर्स, ये तकरीबन इसमें 0.11 सेकंड का अरसा लगता है। तो अगर टोटल देखा जाए एसए नोड से लेकर और यहाँ परकिंजी फाइबर तक आपको ये 0.15 सेकंड का अरसा नजर आएगा। तो ये आपने फिगर्स ये बुक के अंदर दी हुई है, फेडरल बोर्ड वाली बुक के अंदर, इनको आपने याद रखना है और ये आपने इवेंट के साथ भी इनको याद रखना है कि किस जगह से किस जगह पर इंपल्स को जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये वाली सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको याद रखना ज़रूरी है। इस तरह के भी आपको एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे। एसए नोड और एवी नोड से निकलने वाली ये जो वेव्स आपने अभी मुलाहजा किए जिनकी वजह से ये सारा कुछ कंट्रोल हुआ था, अब इनकी रिकॉर्डिंग देखते हैं। इस रिकॉर्डिंग को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, कॉमनली इसे ईसीजी कहा जाता है। यहां पर बच्चों याद रखना है कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का एब्रीविएशन है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का एब्रीविएशन नहीं है। असल में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन का नाम है जिसके जरिए हम ईसीजी ऑब्टेन करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन करते हैं, और जो उस मशीन से एक ग्राफ पेपर के ऊपर इस तरह से ये आपको एक ग्राफ हासिल होता है, दिस ग्राफ इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो समटाइम ये ईसीजी का पूछा जाता है कि ये किस वर्ड की एब्रीविएशन है, तो उसमें बस बच्चे ये ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के तौर पर पिक कर लेते हैं और गलत हो जाता आंसर। याद रखना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की ये एब्रीविएशन है ईसीजी। तो ईसीजी होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप देख रहे हैं कि ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ एसए नोड एंड एवी नोड इन कार्डियक साइकिल ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। आपने अभी ऑब्जर्व किया कि एसए नोड से भी इम्पल्सेस ओरिजिनेट हो रही थी और उसके बाद फिर उसके इन्फ्लुएंस के तहत एवी नोड से भी इम्पल्सेस का आगाज होता है, वो इम्पल्सेस फिर ट्रेवल करती हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट। तो इन इम्पल्सेस की इंटेंसिटी को और इनके ड्यूरेशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो सच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ एसए नोड एंड एवी नोड इज कॉल्ड द ईसीजी। और ये बहुत ही अहम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो इलेक्ट्रो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट वो ईसीजी की मदद से दरअसल डायग्नोस करते हैं कि हार्ट के अंदर किस किस्म का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ईसीजी के हवाले से हमने कुछ चीजों का यहां पे कवर करना है। इसमें सबसे पहली बात तो आप ये याद रखो कि ईसीजी को हम जिस ग्राफ पेपर के ऊपर ऑब्टेन करते हैं उस ग्राफ पेपर में आपको इस तरह से ये बॉक्सेस बने हुए नजर आ रहे हैं। तो हर एक जो स्क्वेयर्ड बॉक्स है ये अलोंग द वाई एक्सेस और अलोंग द एक्स एक्सेस किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ये इंफॉर्मेशन आपको खास तौर पर केपीके वाली बुक में मिलेगी और बाकी बुक्स में भी, चूंकि ईसीजी का ग्राफ गिवन होता है तो उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि इस ग्राफ में ये एक बॉक्स किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये देखिए, ये वाई एक्सेस के अलोंग अगर आप इस बॉक्स को ऑब्जर्व करते हैं यानी वर्टिकल एक्सेस के अलोंग, तो आपको नजर आ रहा है कि एक बॉक्स दरअसल अलोंग द लेंथ ऑफ द वाई एक्सेस ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है और एक बॉक्स दरअसल एक स्क्वायर ये इक्वल होगा 0.1 मिलीवोल्ट के। ठीक है, 0.1 मिलीवोल्ट इस तरह से करके आप इसको सम अप करें तो आप देखिए कि ये जो 10 ब्लॉक्स होंगे या 10 स्क्वायर्स वो 1 मिलीवोल्ट के इक्वल आ जाएंगे।
तो एक जो स्क्वायर था वो 0.1 मिली वोल्ट को अलोंग द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करा था, लेकिन अगर हम अलोंग द एक्स एक्सिस यहाँ पर आपसे पूछें कि अलोंग द एक्स एक्सिस एक स्क्वायर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर दरअसल टाइम ड्यूरेशन मेंशन किया हुआ है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस ये एक स्क्वायर 0.04 सेकंड को इंडिकेट कर रहा है, तो ये जितने बॉक्सेस पर ये ईसीजी फैली हुई होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ड्यूरेशन होगा एक ईसीजी ग्राफ का। तो ये आपने दोनों बातें याद रखनी है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग एक स्क्वायर का मीनिंग क्या है, तो ये मीनिंग आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक ईसीजी के अंदर मजीद जो आपको कंपोनेंट्स नजर आते हैं वो क्या है, उनमें से आप एक कंपोनेंट को देख रहे हैं, ये पी का आपको दिखाई दे रही है, फिर इसी तरह से आपको पी पी के बाद एक थोड़ी सी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड क्यू, और उसके बाद फिर एक बिल्कुल शार्प पीक दिखाई देती है जिसको आर से रिप्रेजेंट किया गया है, और उसके बाद फिर आप देखिए एक और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड एस, और कलेक्टिवली इसे कहा जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। और फिर देखिए तीसरा जो मेजर कंपोनेंट है वो ये टी पीक, आप देख रहे हैं टी पीक एक और पीक डेवलप होती है, तो ये पी पीक के स्टार्ट से लेकर टी पीक के एंड तक ये एक कार्डियक साइकिल है, बल्कि टी पीक के एंड के बाद भी आपको कुछ इवेंट अभी मुलाहजा करवाएंगे, तो ये एक हार्ट बीट को इंडिकेट कर रही है ये सारी पीक्स, और उसके बाद फिर इसी तरह से थोड़े से इंटरवल के बाद ये आपको दूसरी हार्ट बीट नजर आ रही है, तो इस हार्ट बीट में ये जो पीक्स हैं ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, इनमें हर एक पीक के मुतालिक आपसे सवालात पूछे जा सकते हैं कि पी पीक का क्या मतलब है, क्यू आर एस का क्या मतलब है और टी पीक का क्या मतलब है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पी वेव है, ये यहाँ पर पी वेव पी पीक की फॉर्म में आपको नजर आ रही है, ये किस बात को इंडिकेट कर रही है, पी वेव दरअसल ये ऐसे नोड की एक्टिविटी को इंडिकेट कर रही है, इसको हम एट्रियल डीपोलराइजेशन कह सकते हैं, ऐसे नोड से निकलने वाली जो इम्पल्स होती है वो एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन थी, आपको पहले भी बताया जा चुका है, तो ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ऐसे नोड से निकलने के बाद एट्रिया की वॉल में स्प्रेड हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये पी वेव किसको इंडिकेट कर रही है, इट डिनोट्स द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन स्प्रेड्स फ्रॉम ऐसे नोड एंड इज कंडक्टेड थ्रू आउट द सेल्स ऑफ द एट्रिया, तो इसकी वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी, यानी इसकी वजह से एट्रियल सिस्टोल परफॉर्म होगा, तो ये एट्रियल सिस्टोल के लिए रिस्पॉन्सिबल ये पीक है, और ये पीक ऐसे नोड से निकलने वाली इम्पल्स की रिप्रेजेंटेटिव है, और उसके बाद फिर थोड़े से गैप के बाद फिर आप देख रहे हैं कि ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अब किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की रिप्रेजेंटेशन है, और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ये किस बात को इंडिकेट कर रही होती है, इट डिनोट्स द वेव ऑफ द डीपोलराइजेशन स्प्रेड्स फ्रॉम एवी नोड एंड इज कंडक्टेड थ्रू आउट द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल, यानी पहली बात तो ये याद रखिए कि ये अब एवी नोड से निकलने वाली ये इम्पल्स है, और एवी नोड से निकलने के बाद ये इम्पल्स एवी बंडल से गुजरती है, और एवी बंडल से फिर ये इम्पल्स आगे बंडल ब्रांचेस में आती है, और बंडल ब्रांचेस से फिर आगे ये परकिंजी फाइबर्स के जरिए वेंट्रिकल्स की वॉल में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है, बंडल ब्रांचेस और बंडल ब्रांचेस के बाद फिर परकिंजी फाइबर्स के जरिए ये पूरी वेंट्रिकल्स की वॉल के अंदर ये स्प्रेड हो जाएगी। और अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से दरअसल जो इम्पल्स एवी नोड से निकली है दैट इज एक्चुअली डीपोलराइजेशन, ये वेंट्रिकल में जब स्प्रेड होती है तो आप देखें ये बहुत ही एक शार्प पीक यहाँ पे बना रही है ये वेव, और इस शार्प पीक का मतलब है कि ये बहुत हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, तो इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से वेंट्रिकल्स बहुत विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि दिस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, इसकी वजह से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल दरअसल ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है। और आपने यहाँ पर ना साथ साथ ये भी याद रखना है, अभी जो हमने वेल्व्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात की थी ना, तो उसको भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स की क्लोजिंग
यहाँ पर आप इसको इसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ECG को यूं लेबल करके कि किस पॉइंट के ऊपर एट्रियोवेंट्रिकुलर वेव्स की क्लोजिंग होती है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेव्स की क्लोजिंग भी दरअसल ये इसी QRS कॉम्प्लेक्स के दौरान होगी, जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल परफॉर्म होगा और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेव्स क्लोज हो जाएंगी और ब्लड निकल कर वेंट्रिकल से अब वो हार्ट से बाहर एओर्टा में और पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपने देखा कि QRS कॉम्प्लेक्स ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को इंडिकेट कर रहा था। अच्छा, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इस ECG का वो है टी वेव। तो टी वेव जो इस तरह एक टी पीक की शक्ल में आपको ECG में नजर आ रही है, इसको यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन ही, दिस इज एक्चुअली वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के जरिए इसको रिप्रेजेंट किया, और ये किस बात को शो कर रही है, इट डिनोट्स द वेव ऑफ रीपोलराइजेशन स्प्रेड्स फ्रॉम AV नोड एंड इज कंडक्टेड थ्रू आउट द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो ये आपने ये वर्डिंग याद रखनी है कि टी वेव दरअसल वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है, और ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन भी दरअसल AV नोड से निकलने वाली एक इम्पल्स है। दिस इज ऑल्सो इमर्ज फ्रॉम AV नोड, और AV नोड से एज यूजुअल, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि AV बंडल, AV बंडल से फिर बंडल ब्रांचेस, और बंडल ब्रांचेस से Purkinje फाइबर्स के जरिए इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल स्प्रेड करेगी। लेकिन यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा केयरफुल रहना, इधर बड़ी एक कन्फ्यूजन पाई जाती है, और वो कन्फ्यूजन क्या है कि बास बच्चे ये समझते हैं कि ये जो टी वेव है ये रीपोलराइजेशन की तो वेव है, लेकिन बास बच्चे इसको रिलेट कर रहे होते हैं विद द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। But keep in your mind that this is not ventricular diastole. Ventricular diastole actually starts after the completion of this wave. ये जो T wave है, it also appears at the time of ventricular systole. So it also causes the ventricular systole. यानी यूँ समझ लो कि ये जो ventricular systole event है, इसके लिए दो impulses आ रही हैं। एक दफा wave of depolarization, ये थोड़ा contract हुआ, और फिर wave of repolarization, ये और contract हो गया। तो चूंकि ventricular सिस्टोल की वजह से ब्लड ने पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, तो यहाँ पर एक बहुत ही विगोरस किस्म की कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड थी, और वो विगोरस कॉन्ट्रैक्शन असल में ये दो इम्पल्सिस की वजह से कॉज हो रही है। उनमें से एक है वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो आपने QRS कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ऑब्जर्व की, और फिर ये वेव ऑफ रीपोलराइजेशन जो टी पीक की फॉर्म में ऑब्जर्व हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये सारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर मुश्तमिल है। दिस इज एक्चुअली वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो ये अभी वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बारी नहीं आई। अच्छा, अब आखिर में जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है, टी वेव इधर एंड हो जाती है, तो अब जो आगे आपको यहाँ पर कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा, तो ये दरअसल ये वो स्टेट है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। आप यूं समझ लो कि ECG के अंदर ये या कार्डियक साइकिल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन वाले इवेंट थे वो एक्टिव इवेंट्स थे जिनके लिए इम्पल्सेस दरकार हैं, लेकिन जो रिलैक्सेशन इवेंट्स हैं, यानी अभी वेंट्रिकल्स ने भी रिलैक्स करना है, और एट द सेम टाइम अभी आपको मैंने बताया था कि एट्रिया भी रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो दोनों की जो रिलैक्सेशन है ये दरअसल पैसिव किस्म के इवेंट हैं। अगरचे हम यहां पर फैक्टर्स अगर रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करें, तो एट्रियल रिलैक्सेशन के लिए, एट्रियल डायस्टोल के लिए, तो हम ये कह देते हैं कि फिलिंग ऑफ ब्लड की वजह से एट्रियल रिलैक्सेशन हो रही है, लेकिन वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन ये फिलिंग ऑफ ब्लड की वजह से भी नहीं है, बस ये वैसे ही पैसिवली वेंट्रिकल्स की वॉल अपनी जगह पर वापस आ जाएंगी। तो दोनों की रिलैक्सेशन होती एक साथ है, और ECG में अगर हम इसको पिन पॉइंट करें कि रिलैक्सेशन किस वक्त होती है वेंट्रिकल्स की, और ऑब्वियसली उसी वक्त एट्रिया की भी रिलैक्सेशन होगी, तो वो ये वाला पॉइंट बनता है, यानी जब ये टी वेव एंड हो जाती है, तो उस वक्त वेंट्रिकुलर एज वेल एज एट्रियल डायस्टोल परफॉर्म होगा। ठीक है भाई, तो यहां पर आपको ना ECG में जैसे ये लेवलिंग की हुई है डिफरेंट पीक्स की, PP, QRS, T, यहां पर यूं हम डिफरेंट लेवलिंग करके मिसाल के तौर पर ये A, इस तरह B, फिर ये C और फिर ये डी, और आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि एट्रियल सिस्टोल किस जगह पर रिप्रेजेंट हो रहा है, A, B, C या डी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आंसर होगा बी, और फिर इसी तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल इवन ये बी एंड सी दोनों यहाँ पर आंसर दोनों आने चाहिए बी एंड सी, और जबकि वेंट्रिकुलर एज वेल एज एट्रियल डायस्टोल ये डी वाले पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो रहा है।
ठीक है बच्चों, तो ये आपने इस तरह से इन तीनों पीक्स के मुताबिक याद रखना है। लेकिन ईसीजी इतनी सिंपल नहीं है कि बस आप ये तीन पीक्स को याद कर लें तो ईसीजी सारी क्लियर हो जाती है, बल्कि ईसीजी के अंदर अभी बहुत सारे रमूज बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें छुपी हुई हैं जिनको अभी जानना ज़रूरी है। देखो किसी भी ईसीजी के अंदर ना ये इन पीक्स के अलावा, ये जो पीक्स अभी आपको डेमोंस्ट्रेट किए इनके अलावा आपको यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स और कुछ इंटरवल्स मिलेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी, एक को कहते हैं सेगमेंट और दूसरे को कहेंगे इंटरवल। अब ये सेगमेंट में और इंटरवल में होता क्या है फ़र्क? देखो सेगमेंट हम उस चीज़ को कह रहे हैं, सेगमेंट इज एन ईसीजी इज द रीजन, सेगमेंट इन एन ईसीजी इज द रीजन बिटवीन टू वेव्स, यानी दो कोई सी दो वेव्स, जैसे मिसाल के तौर पर ये पी वेव है, पी पीक और फिर ये क्यू आर एस, तो इन दोनों के दरमियान में जो ड्यूरेशन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेगमेंट। यानी कोई भी टू कंजेक्टिव वेव्स, उनमें से जैसे हमने तीन प्रॉपर वेव्स का भी जिक्र किया, एक पी है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद फिर हमने ये टी पी का जिक्र किया। तो अगर हम ये पी पी के एंड से और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट होने के दरमियान अगर ड्यूरेशन देखें तो ये एक सेगमेंट है, और इस सेगमेंट को नाम दिया गया पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट किस बात को इंडिकेट कर रहा है? पी आर सेगमेंट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द पी वेव। देखो जब पी वेव एंड हो गई है वहां से ये स्टार्ट हो रहा है, एंड एंड्स एट द स्टार्ट ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। जब ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होगा वहां पर ये एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेगमेंट इन एन ईसीजी इज द रीजन बिटवीन टू वेव्स। बिल्कुल इसी तरह से आपको यहां पर ये एसटी सेगमेंट नजर आ रहा है, ठीक है? तो ये एसटी सेगमेंट क्या है? ये एसटी सेगमेंट स्टार्ट एट द एंड ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और उसके बाद फिर एंड एट द स्टार्ट ऑफ द टी वेव। तो कभी भी याद रखो कि सेगमेंट में कोई वेव प्रॉपरली इंक्लूडेड नहीं होगी। ये वेव्स के दरमियान में जो ड्यूरेशन होता है ईसीजी का, दरअसल ये उस ड्यूरेशन को सेगमेंट के जरिए रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन इसके मुकाबले में एक और टर्म हम यूज करते हैं, वो है इंटरवल। इंटरवल किसे कहा जाता है? तो एन इंटरवल इन एन ईसीजी इज अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट इंक्लूड्स वन सेगमेंट एंड वन और मोर वेव। इसमें देखो एक सेगमेंट भी इंक्लूडेड होगा और सेगमेंट प्लस कोई वेव भी इसके अंदर कंप्लीटली शामिल होगी। एक वेव भी हो सकती है, और जैसे आपको बताया कि ये एक से ज्यादा वेव्स भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, जैसे आपको ये यहां पर नजर आ रहा है पी आर इंटरवल, तो ये पी आर इंटरवल ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? पी आर इंटरवल इसमें पी पीक पूरी की पूरी इंक्लूडेड है, यानी इट स्टार्ट्स पी आर इंटरवल। इसको पी क्यू इंटरवल भी कहा जाता है, पी आर भी कहते हैं इसको, इसके साथ भी रिलेट करते हैं, या फिर इसको पी क्यू इंटरवल भी कहा जाता है। इट स्टार्ट्स एट द स्टार्ट ऑफ द पी वेव, जहां से पी वेव स्टार्ट हो रही है वहां से ये पी आर इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, एंड एंड एट द स्टार्ट ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पी आर इंटरवल इज इक्वल टू पी वेव प्लस पी आर सेगमेंट, ठीक है? ये इस तरह से करके एमसीक्यू बनाया जा सकता है कि भाई पी आर इंटरवल किसके बराबर है। तो ये जो पी आर इंटरवल है, दिस पी आर इंटरवल इज एक्चुअली इक्वल टू, उसमें आप देखेंगे पी वेव पूरी आ जाएगी, पी वेव, और पी वेव के साथ साथ यहां पर आप ये पी आर सेगमेंट भी ऑब्जर्व करें। तो पी आर सेगमेंट एज वेल एज पी वेव, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म व्हाट? दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पी आर इंटरवल। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये पी आर इंटरवल आपने नोट किया, इसी तरह से आप देखिए कि क्यू आर एस इंटरवल। अब देखो क्यू आर एस इंटरवल किसे कहा जाएगा? क्यू आर एस इंटरवल कवर्स द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये जो पूरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स था, इस पूरे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को क्यू आर इंटरवल कहा जाएगा, ठीक है? इट कवर्स अ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। देखो इसके साथ साथ ये तो हो गया क्यू आर एस इंटरवल, अब क्यू टी इंटरवल क्या चीज है? क्यू टी इंटरवल, तो इसके अंदर ये यहां से इसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी पूरा इंक्लूड होगा, इसमें एस टी सेगमेंट भी इंक्लूड होगा, और फिर ये जो टी वेव है ये भी इंक्लूड होगी। देखिए क्यू टी इंटरवल स्टार्ट्स एट द स्टार्ट ऑफ द क्यू आर एस एंड एंड्स एट द एंड ऑफ द टी वेव,
यानी इट डिनोट्स द इलेक्ट्रिकल सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स। देखो मैंने अभी आपसे ये जिक्र किया था कि बास बच्चे टी वेव को वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंसिडर कर रहे होते हैं, एक्चुअली दिस इज नॉट वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट्स आफ्टर द एंड ऑफ द टी वेव। तो दरअसल ये जो QRS कॉम्प्लेक्स एज वेल एज फिर ये ST सेगमेंट और फिर टी वेव, दे कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इवेंट, अंडरस्टैंड। फिर इसी तरह से आप देखिए देखिए यहां पर और भी आपको कुछ टर्म्स नजर आ रही हैं, जैसे RR इंटरवल। अब देखो ये दोनों QRS कॉम्प्लेक्स के दरमियान में जो जितने भी इवेंट्स इंक्लूड होंगे उनको RR इंटरवल कहा जाता है। अब ये सारी अच्छा बाज का जो है ना, एक यहां पर वेव छोटी सी एक वेव बनती होती है यू वेव, ये थोड़ा सा ना ये एबनॉर्मल वेव कंसिडर की जाती है। बाज़कात जो पैपिलरी मसल्स होते हैं ना वेंट्रिकल के, तो उन पैपिलरी मसल में कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अपीयर होता है और वो यहाँ पर ऑब्जर्व होता है ECG के अंदर। तो वो इस तरह से दो जो हार्ट बीट्स हैं उनके दरमियान एक छोटी सी ये एबनॉर्मल वेव नज़र आएगी, जिसको यू वेव कहा जाएगा। और बाज़कात ये नहीं भी नज़र आ रही होती, तो इस वजह से हर ECG में आपको यू वेव नज़र नहीं आएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव मे बी प्रेजेंट इन एन ECG और मे नॉट बी प्रेजेंट, तो वो ये यू वेव है। बाकी आपको पी QRS टी और ये जो बाकी सेगमेंट्स और आपको जो इंटरवल्स बताएं, ये सारा कुछ यहां पर मौजूद होगा। तो ये जितने भी आपको सेगमेंट और इंटरवल बताएं, हर एक का अपना अपना ड्यूरेशन है। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन ड्यूरेशन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं, वो इस पूरी ECG को जिसको हमने यहाँ पे अभी ब्रीफली कवर किया है इसको वो बहुत डिटेल के साथ स्टडी करते हैं और इसमें अपीयर होने वाले चेंजेस को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उसकी वजह से जो हार्ट में प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनको ये डायग्नोस कर पाते हैं। ठीक है भाई बच्चों, इसके साथ ही ये लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर इस लेक्चर का अभी कुछ हिस्सा बाकी है उसको अगले लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। उसके अंदर हम फिर ये जो ब्लड वेसल्स हैं और उसके साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम वो कवर करेंगे। तो मेरी कोशिश थी कि मैं इस लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर दूं, लेकिन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो इसकी वजह से फिर ये सारा कुछ आज इस लेक्चर में कवर नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको बकाया जो टॉपिक्स हैं इस यूनिट के वो एक्सप्लेन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.